हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको गोदरेज काउंटमैटिक नोट काउंटिंग मशीन विथ फेक नोट डिटेक्शन। ये आपका गोदरेज का काउंटमैटिक मॉडल है, जो कि सेमी वैल्यू नोट काउंटिंग मशीन है और इसमें सारे फेक नोट डिटेक्शन के लिए सारे सेंसर दिए हैं, UV, MG, IR, MT। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ आपको दिखा रहा है UV, MG, IR, MT। इन सेंसरों की हेल्प से आपका फेक नोट डिटेक्शन होता है, ठीक है। अदर फंक्शन इसमें आपको मिल जाएंगे, करेंसी मोड, US डॉलर, यूरो और इंडियन रुपीज़, तीन तरह की करेंसी अकाउंट एंड डिडक्ट कर सकते हैं। आपको बैच फंक्शन मिल जाता है बंडल बनाने के लिए, 100 का बैच है, 50 का है, 20 का है, 10 का है और बंद हो जाएगा। उसके अलावा भी आप बैच प्रेस करके अपनी मर्जी से जितने का भी बैच बनाना चाहें काउंटिंग प्रेस करके बना सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ 25 सेट कर दिया तो 25 का बैच बन जाएगा। अभी बैच को क्लोज करते हैं और उसके बाद ऐड का फीचर आ जाता है, ठीक है। ऐड एक्टिवेट होने के बाद आप इसमें सम कर सकते हैं, जैसे एक बार 100 नोट डाले, दोबारा डालेंगे तो जोड़ के 200 कर देगा, फिर जोड़ के 300 कर देगा। इस तरीके से इसमें सम कर सकते हैं। ऑटो मैनुअल का फंक्शन भी दिया गया है, नए यूजर्स के लिए मैनुअल ऑप्शन भी है, ठीक है। अगर रेगुलर यूजर हैं तो आप नोट डालिए, सीधे काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो मैनुअल प्रेस करके नोट आराम से रख लीजिए, उसके बाद स्टार्ट बटन प्रेस कीजिए तो काउंटिंग स्टार्ट होगी। सेमी वैल्यू का फीचर है कि जी आपको अपने नोटों के अकॉर्डिंग वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे 20 के नोट हैं तो 20 की वैल्यू चूज करेंगे, 500 के नोट है तो 500 की वैल्यू, और फिर जितने भी नोट होंगे मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू बता देगा। तो फटाफट इसका वीडियो देख लेते हैं हम कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको कुछ नोट बड़े वाले काउंट करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको बड़े छोटे सभी नोट आराम से काउंट कर सकती है। तो 500 के नोट हैं, 37 नोट नहीं 32 नोट हैं, तो टोटल कैलकुलेट करके बता दिया 32 नोट हैं। अभी ऐड पे ऑप्शन है, ये सम करता जा रहा है नीचे, आप देखेंगे अभी ऐड एक्टिवेट है, तो इसलिए 64 जोड़ के भी बता दिया, 32 + 32, फिर से डालेंगे तो 32 प्लस फिर जोड़ देगा। तो इस तरीके से इसमें ऐड का भी यूज कर सकते हैं आप। अभी इसी नोट छोटे नोटों को ले लेते हैं, क्लियर करेंगे स्टार्ट बटन से, सारा क्लियर हो जाएगा। ऐड को ऑफ कर देते हैं हम, ऐड को ऑफ कर दिया, ठीक है। अभी 100 नोट है छोटे वाले, इनको डाल के देख लेते हैं, ये 100 नोट काउंट करके बताएगा अभी, ठीक है। ये 100 नोट काउंट कर दिए इसने। अब इसमें हम अदर फंक्शन देख लेते हैं, फेक नोट डिटेक्शन कैसे करता है। ये हमारे पास नकली नोट है, ये मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया गड्डी में और फिर प्लेस करता हूँ। देखिए नकली नोट आती मशीन स्टॉप हो जाएगी और बीप देने लगेगी, बीप देने लग गई, और ये आपका देखिए यहाँ ब्लिंक कर रहा है, यूवी टाइप में फेक नोट है, स्क्रीन का कलर पूरा रेड में बदल गया। आपका फेक नोट कहाँ होगा, ये स्टैकर में जो लास्ट नोट होगा नकली होगा, उसको साइड कर लेंगे और काउंटिंग को पूरा करने के लिए स्टार्ट प्रेस करेंगे, ठीक है। तो काउंटिंग आपकी पूरी हो जाएगी। ये मशीन आपकी नकली नोट को गिनती में नहीं लेती, तो 100 नोट पूरे दिखा रहा असली वाले, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं हम करेंसी मोड, तो इसमें इंडियन करेंसी है हमारे पास, तो हम करेंसी में सिर्फ इंडियन करेंसी काउंट कर सकते हैं, जो कि हम कर रहे हैं। बैच में अब जैसे 25 का बैच बनाना है तो प्रेस कर दिया, 100 का बैच आ गया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि 100 की गड्डी बनती है। मैंने यहाँ 25 चूज कर लेना है क्योंकि मुझे 25 का बैच बनाना है। देखिए 25 का नोट, 25 नोट फाटने के बाद मशीन रुक जाएगी, जब इन 25 को हटाऊंगा तो अगले 25 काउंट करेगी। तो 100 नोट हैं टोटल, 100 पीसीस हैं, तो चार बार में 25-25 बनाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप बैच का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट फीचर, बैच को ऑफ करेंगे, बैच की हेल्प से ऐड में क्या सम करते जाएगा। तो जैसे मैं वो तो दिखा चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। अभी ये 100 नोट हैं, दोबारा डालूंगा तो प्लस 200 कर देगी, यहाँ पे 200 हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, टोटल 300 हो जाएगा। अब मैनुअल का यूज कैसे करना है, पहले हम ऐड को हटा देते हैं, मैनुअल प्रेस करेंगे तो मैनुअल एक्टिवेट हो जाएगा। अभी तक आपने देखा था नोट डालते काउंटिंग स्टार्ट हो जा रही थी, इस बार मैं नोट डालता हूँ तो काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी, क्यों, मैनुअल एक्टिवेट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको स्टार्ट प्रेस करना है, देन काउंटिंग आपकी स्टार्ट होगी। तो ये प्लस यूजर्स के लिए है, जिनको नोट डालने में हिचकिचाहट होती है, तो आराम से अपना नोट रख लीजिए और फिर स्टार्ट बटन प्रेस कीजिए तो काउंटिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद आता है सेमी वैल्यू का फीचर, ठीक है। अभी मैं मैनुअल को हटा देता हूँ, सेमी वैल्यू का बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ 2000 की वैल्यू आ रही है,
मेरे जितने भी नोट हैं उनके हिसाब से मुझे वैल्यू सेलेक्ट करनी है। चलिए मैं 500 के नोट ले लेता हूँ इस बार, और 500 के अकॉर्डिंग 500 की वैल्यू चूज करता हूँ। यहाँ से मैंने वैल्यू चूज कर लेनी है 500। 500 चूज कर लिया, 32 नोट है, कितनी वैल्यू है टोटल अभी कैलकुलेट करके बता दूंगा। 16,000 रुपीज़ है टोटल। ठीक, इस तरीके से आपको ये सेमी वैल्यू में वैल्यू कैलकुलेट कर देता है। सेम आपको 20 की अगर गड्डी है तो आपको वैल्यू प्रेस करना है और यहाँ 20 चूज कर लेना है। 10 चूज हो गया, फिर से सेट करते हैं 50 और 20। 20 का वैल्यू सेट हो गया तो ये 2000 वैल्यू निकल आएगी आपकी। ठीक, एक बार और देख लेते हैं, इस बार थोड़ा कम नोट डालता हूँ। ठीक है, 21 नोट, 420 वैल्यू, अभी पूरे 2000 वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप ये मशीन आपको पसंद आई हो। हमारे चैनल पे इस तरीके की वीडियो और मशीनों की मिल जाएगी। आपको अगर कोई मशीन ख़रीदनी है तो आप सामने दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट AKS ऑटोमेशन से भी परचेस कर सकते हैं। नीचे हमारा एड्रेस दिया गया है, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे है, आप यहाँ पर विजिट करके आके देख सकते हैं। ठीक, और कोई इन्फॉर्मेशन और प्राइस डिटेल चाहिए तो हमें कॉल या व्हाट्सएप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अविनाश सिंह AKS ऑटोमेशन से।